साल के हर मौसम, हर ऋतुओं जैसे पतझड़, सावन और बसंत में कई तरह के छोटे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी, जो वसंत के आगमन के साथ 13 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो ये त्यौहार भारत के हर कोने में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, पर पंजाब में इस त्यौहार की धूम कुछ और ही होती है, इसलिए इसे पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे पंजाब में इस दिन खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देती है। लोहड़ी में कुछ दिन पहले ही बच्चे लोकगीत गाकर अपने आसपास के लोगों के घर जाते हैं और उनसे लोहड़ी मांगते हैं, पर आधुनिक युग में ये चलन कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। कैसे मनाते हैं लोहड़ी? जैसे होली जलाते हैं, उसी तरह लोहड़ी की शाम को लकड़ी उपले इकट्ठा करके जलाए जाते हैं और तिलों से अग्नि का पूजन किया जाता है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। सब लोग अपने परिवार के साथ मिलकर अग्नि की परिक्रमा करते हैं और इस अग्नि में प्रसाद के रूप में मूंगफली, रेवड़ी और कहीं कहीं मक्की के भुने दाने भी अग्नि को भेंट चढ़ाए जाते हैं और ये सभी चीज़ें प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी लोगों में बांटी जाती है। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर लाने की प्रथा भी है। ये त्यौहार उन लोगों के लिए ज़्यादा खास होता है जिस परिवार में किसी की शादी हुई हो या किसी का जन्म हुआ हो। जैसे कि हर त्यौहार के पीछे एक कथा जुड़ी होती है, वैसे ही लोहड़ी के साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। एक ब्राह्मण की बहुत छोटी कुंवारी कन्या को, जो कि बहुत सुंदर थी, कुछ लोग उठाकर ले गए थे। दूल्हा भट्टी ने, जो कि एक मुसलमान था, इस कन्या को उन गुंडों से छुड़ाया था और उसका विवाह एक अच्छे वर के साथ कर दिया था। इस दूल्हा भट्टी की याद आज भी लोगों के दिलों में है और लोहड़ी के अवसर पर छोटे बच्चे गीत गाकर दूल्हा भट्टी को याद करते हैं। इस दिन पारंपरिक गीतों और शानदार नृत्यों के साथ साथ बेहतरीन दावत भी दी जाती है। इस दिन सभी दुखों को भुलाकर खुशी और प्रेम की नई शुरुआत की जाती है। इस त्यौहार की शुरुआत अग्नि की पूजा करके की जाती है। इस त्यौहार के दिन तरह तरह के अनाज जैसे तिल की मिठाई, पॉपकॉर्न, मूंगफली और मुरमुरे को अग्नि में भेंट चढ़ाया जाता है। साथ ही उस अग्नि के चारों ओर प्रार्थना करते हुए सभी इन अनाज को अग्नि में चढ़ा के भेंट चढ़ाते हैं। इस त्यौहार पर एक लोकगीत भी गाया जाता है, सुंदरी मुंदरी होए, तेरा की विचारा होए, दूल्हा भट्टी वाला होए, दूल्हे दी विदाई होए, सैर शक्कर पाई हो। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।